वन ग्लोब्स एंड मैप्स द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज जो हमारी अर्थ की शेप है वो बिल्कुल ऑरेंज की शेप जैसी है एज अ रिजल्ट टू स्टडी द अर्थ वी नीड अ प्रॉपर मैप और अ ग्लोब इसीलिए अगर हमें अर्थ को प्रॉपरली स्टडी करना है तो हमें एक प्रॉपर मैप या ग्लोब का यूज करना पड़ेगा ग्लोब द मोस्ट एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ इज अ ग्लोब जो सबसे एक्यूरेट मॉडल है अर्थ का वो है ग्लोब विच इज़ अ सफीरिकल स्ट्रक्चर जो कि एक सफीरिकल स्ट्रक्चर है द ग्लोब गिव्स अस अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस लोकेटेड ऑन अर्थ जो ग्लोब है वो हमें ट्रूली रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी प्लेसेस हमारी अर्थ के ऊपर लोकेटेड हैं ग्लोब सारे प्लेसेस को हमें अच्छे से लोकेट करके बताते हैं अ ग्लोब शोज द अर्थ फाइव अर्शनस सेवन कॉन्टिनेंट्स एंड डिफरेंट कंट्रीज़ ग्लोब हमें क्या क्या शो करता है अर्थ पे जो फाइव ऑशंस हैं जो सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं आ ग्लोब ऑल्सो शोज़ हाउ द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजनरी सेंटर लाइन कॉल्ड एन एक्सिस और ग्लोब हमें ये भी दिखाता है कि कैसे जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है एक इमेजनरी लाइन पर जिसको हम इमेजनरी सेंटर लाइन है ये जिसको हम एक्सिस भी बोलते द एक्सिस ऑफ अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड जो हमारी एक्सिस है अर्थ की वो स्लाइटली टिल्टेड है यानी थोड़ी सी टेढ़ी है वो एट द एंड्स ऑफ दिस लाइन आर दी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स और इन लाइन के एंड्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है दीज पोल्स हेल्प अस फाइंड डायरेक्शनज ऑन अर्थ ये जो पोल्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सकें अर्थ पे एन इमेजनरी हॉरीजोंटल लाइन दैट रन अराउंड देंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द इक्वेटर एक इमेजनरी हॉरीजोंटल लाइन जो अर्थ के सेंटर में से पास थ्रू हो रही है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं जो सर अर्थ के बिल्कुल मिडल में से जा रही है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स कॉल्ड हेमिसफेयर्स ये अर्थ को टू हाफ्स में डिवाइड करती है जिनको हम हेमिसफेयर्स बोलते हैं इट इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल मिडल में है बिल्कुल दोनों के मिड में जा रही है ये दी नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिसफेयर एंड साउदर्न हाफ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिसफेयर जो नॉर्थ साइड हाफ है उसको नॉर्दर्न हेमिसफेयर बोलते हैं एंड ऑन दी अदर हैंड साउथ साइड जो है उसको साउदर्न हेमिसफेयर बोलते हैं एन अदर इमेजनरी लाइन डिवाइड्स द अर्थ इन टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिसफेयर एक वर्टिकल लाइन भी पास थ्रू हो रही है जो कि अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है वेस्टर्न हेमिसफेयर एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर दिस लाइन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन इस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं दिस लाइन रन फ्राम द नॉर्थ पोल टू दाउथ पोल ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में जा रही है मैप्स एंड डायरेक्शंस अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट जो मैप हमारा होता है वो अर्थ की फ्लैट ड्राॅइंग है यानी पेपर पर पे हम ड्रॉ कर देते हैं पूरी अर्थ को या उसके कुछ एक पार्ट को अ मैप ऑफ वर्ल्ड शोज द इंटायर वर्ल्ड एट वन टाइम जो हमारा वर्ल्ड का मैप है वो हमें पूरा का पूरा वर्ल्ड एक टाइम पे शो कर देता है मोस्ट मैप्स इंक्लूड अ सिंबल कॉल्ड अ कम्पस रोज दैट शोज द फोर माइन मेन डायरेक्शंस। मोस्टली जो हमारे मैप्स हैं उनके ऊपर एक सिंबल बना होता है जिसको हम कंपस रोज़ बोलते हैं जो हमें फ़ोर मेन डायरेक्शन शो करता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट दीज आर कॉल्ड दी कार्डिनल डायरेक्शन इनको हम कार्डिनल डायरेक्शंस भी बोलते हैं अ कम्पस रोज माइट शो इंटरमीडिएट डायरेक्शन टू जो हमारा कंपस रोज है वो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी हमें शो करता है दे आर नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफन एवरीविशंस आर यूज टू शो द डायरेक्शन ऑन अ कम्पस रोज हम पूरा नहीं लिखते इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं कंपस रोज पे इसको शो ऑफ करने के लिए द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ जॉइंट मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह काम करती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ दीज आर नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल और इनको हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं Thank you.